दो तीन सितारे मेरे ख्याल कहीं घूमे हुए ढूंढ के लेकर आ रहे हैं। अच्छा वैसे बाबर आजम को रेस्ट क्यों दिए, जरूरी था, कुछ इशू चल रहा है उनका? देखिए उन्होंने बैटिंग करनी है, क्यों कादर साहब बैटिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, फील्डिंग के लिए मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया गया, मोहम्मद हारिस को कीपिंग कर रहे हैं और रिजवान बाबर बैटिंग के लिए आएंगे। देखिए ये एक बात ठीक थी कि अगर बाबर बैसीत कप्तान मैदान में नहीं आते हैं तो शादाब, ये एतमाद इससे शादाब को मिल सकता है, जो उनके एतमाद की कमी है ना जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो ये एक पहलू है कि वो हो सकता है उनकी बॉलिंग फॉर्म वापस आ जाए, वो बेहतर खेल पेश करना शुरू कर दें, उनके सोच में जो कहीं ना कहीं है ये उसको बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो बाबर का बैटिंग करना ना करना तो वार्म अप मैच में कोई मानी रखता नहीं है इस लिहाज से, क्योंकि वो जब करेंगे वो रन्स करते ही चले आ रहे हैं। उनकी खासियत ये है कि वो उनको रन बनाने वाली मशीन इसीलिए कहा जाता है कि वो जहाँ भी जाते हैं दुनिया में, इंग्लैंड जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, साउथ अफ्रीका जाएँ, वेस्ट इंडीज़ जाएँ, अब वो भारत गए हैं, यहाँ पर भी करेंगे तो वो रन्स करते चले आ रहे हैं उनके। अच्छा ये बाबर आजम के मुतालिक ही मैं देख रही थी कि विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि पाकिस्तान और बाबर आजम जो हैं वो भूखा शेर हैं और बाबर पाकिस्तान का जिगरा है। इट्स अ गुड कमेंट। दुनिया देखे बाबर की बैसीत बल्लेबाज तो दुनिया का कोई भी क्रिकेट के ऊपर जो बात करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पर लिखते हैं, वो उनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता कि वो बाबर की बैटिंग के हवाले से कोई ऐसी बात करेगा कि जो उसके अदाद शुमार के मुताबिक ना हो। इसमें कोई शक नहीं है, ये बाबर, शाहीन, फखर, हारिस और उनके शादाब ये पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी हैं, इन्होंने ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अगर कोई बड़ी कामयाबी दिलवानी है तो इन्हीं की कारकर्दगी से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है। आप देख लें 2011 का वर्ल्ड कप अगर इंडिया होम ग्राउंड पर जीता था तो किन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया था, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वही परफॉर्म करते हैं। युवराज सिंह की बात कर लें, सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, 2015 का वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया ने, ये जिसका आपने जिक्र किया था वो हो रहा है यहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया ने जब जीता था वर्ल्ड कप अपने मैदानों पर तो मिच स्टार्क की जो फाइनल में उन्होंने उनको आउट किया था, ब्रेंडन मैकलम को पहले ओवर में, तो टॉप प्लेयर्स हमेशा से परफॉर्म करते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में बेन स्टोक्स को देख लें, तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी इस 2023 के वर्ल्ड कप में जब उन्होंने कामयाबी हासिल करनी है तो ये टॉप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, बाबर, फखर, इमाम, ये सारे के सारे, इनको कोई दो ऐसे होंगे जिनके गिर्द टीम घूमेगी। अच्छा तो ये जो बात हाफिज भी कर रहे हैं, मैं देख रही थी कि लिखा हुआ कि इंडिया जो है जब अपनी टीम सेलेक्ट करता है तो अपने खिलाड़ियों को बहुत ट्रायल से गुजारता है और मुख्तलिफ ट्रायल्स के बाद एक फाइनल टीम सेलेक्ट होती है। बाबर आजम इज इन द कैपेसिटी टू सेलेक्ट द प्लेयर्स ऑफ हिज ओन चॉइस या हु मेक द डिसीजंस? देखिए ये मैं देख रही थी आपस के साथ, शायद वो एक ही नाम ले, लेकिन ये फैसले जो हैं नहीं, वो खान मोहम्मद अशरफ नहीं करता। वो बेसिकली आपके जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के आए होते हैं प्लेयर्स, उस हवाले से आपकी ODI और नेशनल T20 को देखते हुए, T20 की टीम और फिर आपके कायदेजम ट्रॉफी को देख के जो उसमें परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हमारी कायदेजम ट्रॉफी में ऐसी विकेटें नहीं हैं, पिचेस नहीं है यार। कादर साहब, मैं कादर साहब का खतरा ग्रामी की मादर चाहता हूं। देखें पिचेस, इन्हीं पिचेस के ऊपर, ऐसी पिचेस के ऊपर वसीम अकरम ने बॉलिंग की, शोएब अख्तर ने बॉलिंग की, मोहम्मद जाहिद ने बॉलिंग की, इमरान खान ने बॉलिंग की, ठीक है, आमिर नज़ीर ने बॉलिंग की, पाकिस्तान के तमाम फास्ट बॉलर जिन्होंने अपने नाम बनाया ना वो इन्हीं पिचेस पर आउट किए हैं और उन्होंने बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाई हैं। अगर आपकी गेंदबाजी की रफ्तार ही 120-25-25-23 है ना, तो क्यों आपसे सरफराज विकेट देगा आपको अपनी, क्यों खुर्रम मंजूर आपसे आउट होगा, ठीक है। ये एक पहलू इसी कजाफी स्टेडियम में जहाँ पर रन बने हैं, एशिया कप के मैचेस खेले गए हैं ना, यहीं पर पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला टेस्ट मैच आपने यहीं पर कवर किया था ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ पिचेस, ये सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है कि जो आपके काबू में नहीं है ना उसके ऊपर डाल दें। पाकिस्तान टॉस जीत जाते, असी तो पता नहीं असी मैच जीत जाते, अब पिच थोड़ा जहा साढ़े नाल इंच कर गया। देखिए बैटिंग पिच है तो आपको बॉलर को कम अज़ कम उसको अपने लिए निकालना है ना कुछ उसमें से, जहाँ पर बॉलर्स के लिए पिच मददगार होती है, क्या बल्लेबाज वहाँ पर रन नहीं करते हैं? दुनिया के तमाम बल्लेबाज वही जिनको दुनिया जानती है वो मुश्किल हालात में रन करते हैं तो उनका नाम बनता है। अगर आपके पास पिचेस, आपको लंबी बैटिंग मिल रही है ना, तो आपकी बॉलिंग में इतनी जान हुई है कि आप उसमें से अपने लिए कुछ निकालें, बहाने तराशे ऊपर डाल दें, जाने चाहिए सब कुछ उनके ऊपर डाल दें, सब कुछ उनके ऊपर डाल दें। अब किसी को क्या पता कि दोनों कप्तान सुबह पहले पहुंच जाएं,
अच्छा जनाब जंजानी साहब आ गए, उनसे जरा जानते हैं। वेलकम जंजानी साहब। सर मुझे बताइएगा कि ये कहाँ गए भाई, हमारे साथ स्क्रीन पे जंजानी साहब ने आना था, लेकिन खैर मुझे ये बताइएगा कि सूरज ग्रहण का असर आज के मैच पे पड़ सकता है, क्या सितारे कहते हैं पाकिस्तान के? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आज के मैच पे तो जी सूरज ग्रहण के कोई असरात नहीं है, आज के ग्रहण जो है वो जिस दिन लगेगा उस दिन तो डेफिनेटली उसके असरात होंगे। और नॉर्मली भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखा जाता है कि इसके असरात जो हैं वो जनरली सबके ऊपर 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक होते हैं। लेकिन आज के मैच की अगर बात की जाए तो आज के मैच में तो ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती कि कोई बुरे असरात हों, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो अभी तक तो ओवरऑल बेहतर खेल रहे हैं। और आज कल हमारी गुफ्तगू में भी मैंने ये कहा था कि आज चांसेस हैं कि एज अ टीम पाकिस्तान को खिलाया जाए तो पाकिस्तान जीतती हुई नज़र आती है। बाबर आजम जो हैं वो काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आज वो खेल भी रहे हैं या नहीं खेल रहे, मेरी नज़र से नहीं गुजरे वो अभी तक। ठीक है, अच्छा जिदाई साहब जरा मुझे ये बताइएगा सर, अगर आपकी नज़र से ये खबर गुजरी हो कि एक डेथ साइंटिस्ट ने जलजिले की पेशगोई की थी कि एशियाई ममालिक में आ सकता है, बट देर इज़ नो सच वेज टू डिटेक्ट द अर्ली अर्थक्वेक्स, बट ही प्रेडिक्टेड एंड इट हैपेंड, क्योंकि उसने इस्तंबुल या टर्की के अंदर भी ये बात उसका कही थी और टर्की में जलजिला आया, आज इंडिया में भी आया, नेपाल में भी आया, तो ये भी कोई सितारों से सर इसका ताल्लुक है जो ग्रहण आने वाला है उससे कुछ आप इसको जोड़ेंगे? ऐसा है कि देखिए दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी अल्लाह ताला ने एक बेहतर हिकमत अमली के तहत उनको बनाया है, तरतीब दिया है, और ज़मीन है, ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आफात आती हैं, चाहे वो जलजले हैं, तूफान हैं, इसकी बाकायदा पहले प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं साइंटिफिकली। ये बिल्कुल ऐसी है कि कुछ अरसा कबल अगर हम लोग देखें, हमारे पास नेविगेशन का सिस्टम नहीं होता था, लेकिन नेविगेशन अब आपको बताती है कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ से आपने टर्न करना है, क्या आपने जो है वो अपनी डेस्टिनेशन के लिए आपने क्या रूट प्लान करना है। तो बिल्कुल प्लैनेट्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। अब जैसे चांद है, चांद समुंदर को कंट्रोल करता है, जो आपका सन है वो कंट्रोल करता है आपकी ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं उनको कंट्रोल करता है, मार्स आपकी बॉडी की ब्लड की सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। इसी तरह जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो बिल्कुल प्रेडिक्शन की जा सकती है। अच्छा जंजानी साहब, हम बात तो वैसे मैच की कर रहे थे लेकिन अब वो मेरे ख्याल है जंजानी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा शायद सभी लोग उठाते हैं। वो मेरी टीम में से किसी ने सवाल मुझे भेजा कि ये बताएं मायरा खान की शादी हो गई है, वो चल सकेगी या नहीं? ये मुझे बताएं, पहले ये मुझे बताएं किसने भेजा, किसने ये ज़ारा है जनाब हमारी टीम में, उन्होंने सवाल लिखा है मायरा क्या शादी चलेगी कि नहीं, मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क यू सर, वो भी जरा बता दे। उनको छोड़ देते हैं, जफर का होता तो फिर बताते हैं, ज़ारा को छोड़ दिया, जफर को नहीं छोड़ा। अच्छा एक सवाल मेरा